है जो हमने इससे पहले नहीं देखा। अगर कभी ऐसा हो ना कि डोनर गिफ्ट दे रहा है डोनी को, और हम बेसिकली लेट्स से जिस कंपनी के शेयर्स गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, एग्जामिनर उस कंपनी के शेयर, उस कंपनी के ना एसेट्स की भी वैल्यूज बता दे आपको। रिपीट, डोनर डोनी को गिफ्ट कर रहा है शेयर्स किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के लेट्स से शेयर्स गिफ्ट कर रहा है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है, उस कंपनी के जो एसेट्स है ना उनकी वैल्यूज भी दे रहा है आपको। ऐसी सिचुएशन में ना गिफ्ट रिलीफ का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब गिफ्ट रिलीफ इस तरह से कैलकुलेट होगा कि गिफ्ट रिलीफ इज इक्वल टू गेन, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे सीबीए से। गिफ्ट रिलीफ कैसे आएगा, गिफ्ट रिलीफ इसको हम चेंज करते हैं, जस्ट गिफ्ट रिलीफ कुछ इस तरह से आएगा कि आप गेन लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीबीए से और डिवाइड कर देंगे सीए से। सीए के चार्जेबल एसेट, सीए के चार्जेबल एसेट और सीबीए के चार्ज बिजनेस एसेट, सीबीए चार्जेबल बिजनेस एसेट। अब प्लीज सुनिएगा, एक्चुअली चार्जेबल एसेट का मतलब होता है हर वो एसेट जिसको सेल करने पे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आए। रिपीट, चार्जेबल एसेट का मतलब क्या, हर वो एसेट जिसको सेल करने पे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है तो वो चार्जेबल एसेट है। लेकिन चार्जेबल बिजनेस एसेट का मतलब ये कि उसको बेचने पे गेन या लॉस तो आता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बिजनेस एसेट भी है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, वेयर हाउस। ये हमारे पास क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ चार्जेबल एसेट नहीं है लेकिन साथ में क्या है, चार्जेबल बिजनेस एसेट भी। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करूं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बात करूं, वो चार्जेबल एसेट है लेकिन चार्जेबल बिजनेस एसेट नहीं है। अब प्लीज सुनिएगा, हर चार्जेबल बिजनेस एसेट एक चार्जेबल एसेट होता है, हर सीबीए एक सीए है, लेकिन हर चार्जेबल एसेट क्या नहीं होता, सीबीए नहीं होता। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, वो तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो आता ही नहीं। मिस्टर वाई गिफ्टेड शेयर्स ऑफ अ कोटेड कंपनी, सर कोटेड कंपनी में भी गिफ्ट रिलीफ मिलता था अगर आपकी एटलीस्ट 5% होल्डिंग हो, आप चेक कीजिएगा, पढ़ा था। मिस्टर वाई गिफ्टेड शेयर्स ऑफ अ कोटेड कंपनी हैविंग मार्केट वैल्यू 2,44,000 टू हिज सन, ही हैज परचेज कितने में, 1,22,000 में। लेटर ऑन सन ने 3,46 में सेल कर दिया, तो 244,122। अगर डोनर के लिहाज से बात करूं, मार्केट वैल्यू को मैं ले लूंगा सेल प्रोसीड 244, कॉस्ट है जी 122। यस, तो गेन आ जाएगा। आप लेकिन क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से गिवन है, द कंपनी हैड द फॉलोइंग एसेट, सर प्लांट हमारे पास सीबीए, लैंड एंड बिल्डिंग सीबीए, मोटर व्हीकल सीजीडी में एग्जेम्प्ट होती है, ये तो कहीं भी नहीं आएगा, करंट एसेट एग्जेम्प्ट है, गुडविल सीबीए, तो हमारे पास सीबीए में 1,00,000 + 78,000 प्लस, इसका मतलब यह कि अगर मैं गिफ्ट रिलीफ निकालना हूं, गिफ्ट रिलीफ निकालो उसमें ऐसी, प्लीज यहां देखो सर सीबीए देखिए 1,78,000 और 1,000, तीनों का ऐड करें कितना आएगा, 1,79,000। अच्छा अपॉन में अगर आप देखें तो ये 11,000 ऐड हो जाएगा, ये सुनो 190, बताएंगे कैलकुलेटर यूज कर, 1,1 और चार्जेबल गेन आ जाएगा, बताएंगे चार्जेबल गेन कितना आ रहा है, 7,0,63।
वो एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट में ही कट जाएगा। अब सन के लिए बेस कॉस्ट निकाल लेंगे, बेस कॉस्ट फॉर सन, हाँ लेकिन पहले बेस कॉस्ट तो चाहिए होगी ना। मार्केट वैल्यू 244, यस नो? लेस कर देंगे गिफ्ट रिलीफ, गिफ्ट रिलीफ है जी 114, ये बेस कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ रही है 1290, बेस कॉस्ट। फिर इसको सेल कर दिया हमने, सेल प्रोसीड कितने की 3, चार्जेबल गेन आ जाएगा सन के लिए कितना आ रहा है 2216, फिर एनुअल एग्जाम अमाउंट। टैक्सेबल गेन आ गया वापस, हम बेटा थोड़ा सा आगे चलते, चैटल्स एंड वेस्टिंग एसेट्स पे बात कर ले प्लीज। हाँ इसकी यार वीडियो बनी, वो एक स्टूडेंट ने मांगी चैटल्स एंड वेस्टिंग एसेट, चलो बना दे। इसमें देखिए सीजीडी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चैटल्स आर समराइज एज फॉलोज। सर दो तरह के चैटल्स होते हैं, वेस्टिंग एंड, पहले वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। सर वेस्टिंग चैटल की लाइफ क्या होगी 50 या लेस देन दैट, उसमें एग्जाम्पल्स हैं कुछ, रेस हॉर्स है, ग्रे हॉर्न है, बोट है, कारवान है। लेकिन ये जो है ना रेस हॉर्स, ग्रे हॉर्न, बोट, कारवान, ये सब एग्जेम्प्ट है। ये बात समझ में आ रही, ठीक है जी। अब देखिएगा वेस्टिंग चैटल में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, उसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी, जिसपे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये याद रखिएगा रेस हॉर्स हो गया, ग्रे हॉर्न हो गया, बोट, कारवान, ये सब एग्जाम्पल। नॉन वेस्टिंग चैटल्स की तरफ आए जिनकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होगी मोर देन, एग्जाम्पल में एंटीक्स। अब देखिए ना लोग तो एंटीक्स का कितना ख्याल रखते हैं, उसको तो प्रिजर्व करने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। अब बोले आप खुद सोचे, नहीं बाज लोग तो बहुत ज्यादा हो, फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी एंटीक्स का तो बहुत ख्याल रखा जाता है। ज्वेलरी चेक कर लें आप, वो चीज है जो पाकिस्तान में लोग खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर उसको संभालते रहते हैं, पहन तो कोई भी नहीं, सही? और हर बंदा इस नीयत से लेता है अगर कोई मसला हो तो बेच दूंगा, बेचता कोई भी नहीं, ठीक। अजीब इसके अंदर आई डोंट नो अट्रैक्शन है क्या है। पेंटिंग्स जब बाहर की बात करें तो बाहर लोग पेंटिंग्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता कि पेंटिंग में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। हमारे वालों को समझाओ भाई ये पेंटिंग 2 लाख की, तभी से पेंटिंग कोई 2 लाख कह दे तो बहुत मुश्किल है हमारे कल्चर में। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं नॉन वेस्टिंग चैटल्स। अब देखिएगा इसमें जी अगर आपने लेट से कोई एंटीक ज्वेलरी, पेंटिंग या इवन कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने लेस देन 6000 में खरीदा है और लेस देन 6000 में बेचा है तो वो एग्जाम्प्ट है, वो नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई? अगर एक लेट से आपने कोई एंटीक लेस देन 6 में लिया है, मोर देन 6 में बेचा है, तो वो बेसिकली स्पेशल रूल है जो F6 में है, ATX में नहीं, तो हमारे पास बोले रूल्स नहीं। अब आ जाए इसमें सर, सारा गेम है वेस्टिंग चैटल्स में प्लांट एंड मशीनरी का, क्योंकि वेस्टिंग चैटल में रेस हॉर्स, ग्रे हॉर्न, बोट, कारवानी तो एग्जाम्पल हो गया, खत्म, बचा प्लांट एंड मशीनरी। वेस्टिंग एसेट हैव अ प्रेडिक्टेबल लाइफ कितनी, 50 या उससे कम। अब सर फॉर सीजीडी पर्पसेस वेस्टिंग एसेट कैन बी स्प्लिट इनटू 3 कैटेगरीज। सर चैटल नॉट एलिजिबल फॉर क्या,
सर जो कैपिटल अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं है एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीजीटी, वो ये वाली बात है, ये तीन आप चेक कर लें। हमने कभी नहीं देखा बोर्ड पे कोई कैपिटल अलाउंस मिल रहा है वहां पर, ऐसा कुछ नहीं। सर चैटल्स एलिजिबल फॉर कैपिटल अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट है प्लांट एंड मशीनरी। अब इसका पहले रूल बता देता हूं, प्लीज सुनिएगा। इफ आई एम सेलिंग द प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, मिसाल के तौर पर आज एक प्लांट एंड मशीनरी सेल करते हैं जी 200,000 में, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी लेट्स से 1 लाख, कैपिटल गेन आ जाएगा। ये सुनो, ये जो चार्जेबल गेन आ रहा है ना, इसमें टैक्स वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट गुड। लेकिन अगर आपने देखिएगा प्लांट एंड मशीनरी को बेटा आपने सेल किया फॉर एग्जांपल 40 में और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, और जैसे ही 60,000 का लॉस आएगा ना, टैक्स वाले कहेंगे भाई तबीयत सेट है, ये क्या कर रहे हो आप। बोले क्यों, तो टैक्स वाले कहेंगे भाई आपने पहले इस प्लांट एंड मशीनरी पे लिया कैपिटल अलाउंस, तब भी टैक्स बचा आपका, अब आप लॉस पे बेच रहे हो फिर टैक्स बचेगा, तो बोला आप जिंदगी भर इस प्लांट एंड मशीनरी पे टैक्स ही बचाओगे। तो आसान कर लेते हैं, वो प्लांट एंड मशीनरी जिसपे आपको कैपिटल अलाउंस मिलता है, अगर उसको सेल करने पे कैपिटल लॉस आए तो टैक्स वाले कहते हैं हम आपको लॉस होने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं लेकिन आ तो रहा है। बोला ये तो बात है, हम आपको लॉस होने नहीं देंगे। आपने कहा जब मैं प्लांट एंड मशीनरी को डीपी उसका 40 है और कॉस्ट 1 लाख है, तो करेंगे क्या, वो डीपी और कॉस्ट को इक्वल कर देंगे। कैसे, आपको देंगे बेटा कैपिटल अलाउंस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, कहेंगे ये था आपका कैपिटल अलाउंस जो आपको मिल चुका है 60,000, चलो शाबाश, लॉस नहीं आएगा, बस समझ में ही बात। वो इस तरह वो आपको बोलेंगे जी हम आपको 60,000 का किसी जमाने में कैपिटल अलाउंस दे चुके, चलो। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी को आप सेल करते हैं लॉस पे, तो टैक्स वाला कहता है हम आपको लॉस होने नहीं देंगे। कुछ भी किया हो सर, प्लांट एंड मशीनरी, हाँ प्लांट एंड मशीनरी लॉस पे सेल नहीं होगा, अगर होगा तो लॉस जीरो। गेन पे बेच रहे हैं इट्स ओके, वो कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है, गेन पे बेचे क्यों नहीं बेच रहे आप, गेन भी बेचा करें, गेन में उनको भी मिलेगा ना, टैक्स वाला तो जाहिर सी बात अपने आप को सेफ लेके चलेगा। अच्छा जी, इसमें जैसे यहां प्लांट एंड मशीनरी ऑलवेज डीम टू बी सोल्ड एट अ गेन, नॉर्मल कैलकुलेशन, हमें कोई मसला नहीं। Sold at a loss, no gain, no loss. Relief of loss is given. फिर आपको क्या मिले? वो capital loss balancing figure खत्म। Chattels are defined as tangible, movable properties. Picture or table. अब लाजमी उसको क्या होना चाहिए? Movable. तो इसलिए हम कहते हैं building क्या नहीं है? Chattel नहीं। Shares chattel नहीं है क्योंकि intangible होते हैं। Chattel को intangible नहीं, tangible होना चाहिए। अब यहाँ देखें। Other wasting asset. अब please सुन ले यार। अदर वेस्टिंग एसेट ना बहुत सिंपल है, सिंपल क्या है, अगर कभी ऐसा हो कि आपको किसी एसेट की ना यूजफुल लाइफ दी जाए, क्या दीजिए, मतलब आपको कहा जाए भाई इसकी यूजफुल लाइफ 25 साल है और आप 10 साल के बाद बेच रहे हो, अगर ऐसी कोई बात है तो आप एक काम कीजिएगा, सेल प्रोसीड में से उसकी नेट बुक वैल्यू माइनस कीजिएगा। पहचान का तरीका क्या, यूजफुल लाइफ की वैल्यू। दिस कैटेगरी कवर्स वेस्टिंग विच आर नॉट सेटल्ड एंड एज दे आर नॉट tangible or not movable. For example, immovable plant and machinery, copyrights and license. The following, the allowable expenditure on these assets is deemed to waste over the straight line basis. Sir, आपने कुछ भी नहीं करना, बस उसकी नेटबुक वैल्यू निकाल ली। अब वो नेटबुक वैल्यू कैसे निकलती है, क्या होता है, प्लीज यहां देखें इस क्वेश्चन को, खाली देखें। On 16 March 2013, Nicholas bought an asset costing कितनी थी? It had an estimated useful life, scrap value, 17 मार्च में बेचा, बस इसको आराम से देखें। Calculate chargeable gain or loss. The asset is a wasting asset and was sold कितने में? ये पहला केस है हमारा, हमने इसको 34 में बेचा, जागते रहे। The asset is plant and machinery eligible for क्या?
यहां रुक जाते हैं। अगर आप बेटा कैपिटल अलाउंस मिल रहा है, अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी पे क्या मिल रहा है और आप लॉस पे बेच रहे हैं तो लॉस नहीं होगा, आपकी सेल प्रोसीडर कॉस्ट बराबर हो जाएगी। तीसरे केस में अगर आप देखें, आपको प्लांट एंड मशीनरी है, कैपिटल अलाउंस मिल रहा है, बट यू आर सेलिंग एट अ गेन, गेन में कोई मसला नहीं है। पहले केस में क्या होगा आप सुन लें, आप सेल प्रोसीड में से नेट बुक वैल्यू माइनस करोगे। पहले केस में क्या करोगे, नेट बुक वैल्यू माइनस करोगे। यहां देखें, ये सब मैंने यहां ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए किया हुआ। वेस्टिंग एसेट मैंने सेल प्रोसीड ली, कॉस्ट में से मैंने 8 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, एक्वायर किए 8 साल हो चुके हैं, चेक कर लीजिए, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 32,520। कुछ भी नहीं यार, कॉस्ट में से 8 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, एक्यूमुलेटेड नेट बुक वैल्यू आ गई, आपने उस नेटबुक वैल्यू को सेल प्रोसीड में से माइनस किया, चार्जेबल गेन आ गया, चेक कर ली, ये बात क्लियर होती है। जितने साल हो चुके हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस। सेकंड केस में अगर आप देखें, 45 वाली चीज आपने 34 में सेल की, आपको 11 का लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस होने नहीं देंगे आपको, तो व्हाट वी डन, ये देखें, सेल प्रोसीड कॉस्ट में से हमने एक बैलेंसिंग फिगर ले ली नेट कैपिटल अलाउंसेस की, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, नो लॉस। वो प्लांट एंड मशीनरी जिस पे आपको कैपिटल अलाउंस मिलता है, अगर आप उसे बेचते हैं और बेचने में क्या हो रहा है, गेन में कोई इशू नहीं, लॉस हो रहा है तो बस फिर खत्म। थर्ड केस में देख लें, गेन हो रहा है, इसमें कोई मसला ही नहीं, कुछ भी नहीं ना, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आप थोड़ा देखें इसको। अब बेटा जरा आगे चलते हैं, इसमें हमें अब वीडियो की जरूरत नहीं। हाँ, इसके काफी